सो वहां पे टूरिज्म पर्पस से उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ताकि कोर जोन के ऊपर प्रेशर ना आए, इसीलिए ह्यूमन एक्टिविटी यहां पे अलाउड कर दी गई है. इज इट क्लियर? ताकि एटलीस्ट उनको देखने के बहाने ही सही, टूरिज्म के बहाने ही सही, फिशिंग के बहाने ही सही, वहां पे उनको टैक्सेस या सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिलना इनिशिएट हो जाए, ताकि उसको क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके. समझ में आया? एंड लास्ट इज ट्रांजिशन जोन. थर्ड इज ट्रांजिशन जोन. क्या होता है बोलो कोई? और इसको हम फ्यूचर में एक्सटेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, अब मैंने बोला सबसे बड़ा एरिया कौन सा है तीनों में? बायोस्फीयर. आप बायोस्फीयर रिजर्व का फ्यूचर में एरिया भी बढ़ सकता है, तो कौन से एरिया को बढ़ाएंगे? कोर जोन को? नहीं. बफर जोन को? नहीं. तो किसको बढ़ा सकते हैं? ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन को इंक्रीज करने से बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज. यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउड होती है, बहुत सारी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज भी यहाँ पे अलाउड होती है. मतलब यहाँ पे एज सच कोई प्रोहिबिशन नहीं है. इज इट क्लियर? सो राइट डाउन, इट इज द आउटर मोस्ट जोन